जय सुभाष के द्वितीय सर का सारांश कथानक कथावस्तु कथासार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सुभाष के योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर: खंड काव्य के इस सर्ग में सुभाष के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का वर्णन है। भारतवर्ष में अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय को देखकर भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सुभाष ने अपना जीवन देश को अर्पित कर देने का निश्चय किया। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। छात्रों ने विद्यालयों का एवं वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार करके आंदोलन को तीव्र बनाया। बंगाल में देशबंधु चितरंजन दास आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त कर दिया। सुभाष ने छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत की और राष्ट्रभक्त स्वयं सेवकों की एक सेना तैयार की। इस सेना ने बंगाल के घर घर में स्वतंत्रता का संदेश गूंजा दिया। इस सेना के भय से अंग्रेजी सत्ता डोल उठी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने देश बंधु और सुभाष चंद्र बोस को जेल में बंद कर दिया। जेल में जाकर उनका साहस और शक्ति और अधिक बढ़ गए। जब ये जेल से मुक्त हुए तब बंगाल भीषण बाढ़ से ग्रस्त था। सुभाष ने तन मन धन से बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को काउंसिल में प्रवेश कराया। कलकत्ता महापालिका के चुनाव में सुभाष बहुमत से जीते। सुभाष को अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया। इन्होंने 13,000 निर्धारित वेतन के बजाय केवल आधा वेतन लेकर महापालिका का खूब विकास किया। सरकार ने इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से चिढ़कर इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। वहाँ से बरहामपुर और मांडले जेल में भेजकर इन्हें बड़ी यातनाएं दी गईं। इस कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। दृढ़ स्वर से जनता की मांग के कारण ये जेल से छोड़ दिए गए। कारागार से छूटते ही इन्होंने पुनः संघर्ष आरंभ कर दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ। और इस प्रकार से जय सुभाष खंड काव्य का द्वितीय सर्ग की जो कथा थी वो यहीं से समाप्त हो जाती है। और शेष सर्ग के लिए आगे के वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।